हेलो जी, राम राम जी आप सबको। तो आज बनाने वाले हैं हम रेसिपी में बैंगन का भरता। वो देखते जाइए, मेरी वीडियो थोड़ी सी वो मिस्टेक की वजह से ख़राब हो गई थी, तो इसलिए दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो इसमें मैंने ऑयल डाला था, ज़ीरा मेरा भून चुका है। यहाँ पे मैंने बैंगन का भरता भून के उसका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर मैं ये हरी मिर्च, धनिया और ये जो है अदरक लहसुन टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। टमाटर मैंने भून चुके हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने प्याज कट करी हुई है। और अब इस प्याज को मैं, ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, उसमें जीरा डाल के उसको अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ सारे। तो गाइस, मैं पहली बार ऐसी वीडियो बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो गाइस, मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं, वैसे मैं ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं आज आपके लिए सोचा ये वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि तो शॉर्ट्स बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो चुका है। तो देख सोचती हूँ कि आपके लिए आज बैंगन का भरता बना रही थी, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना ली। अब इतनी देर में हमारी प्याज भुनेगी, इससे अच्छा कि हम टाइम वेस्ट करते हुए इसका पेस्ट बना लेते हैं जल्दी से। और ये पेस्ट मैंने बना लिया है, इसमें मैंने धनिया और हल्दी डाल दिया। मिर्ची मैंने नहीं डाली क्योंकि मैंने ग्रीन जो मिर्ची थी वो काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी, वरना ज़्यादा जो बच्चों को मिर्ची वाला पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने कम ही मिर्ची डाली है। उसके बाद डाल देती हूँ मैं सारा पेस्ट इसमें। अब इसको पेस्ट को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि अच्छी तरह जो है भुन जाए। आप देखिए गाइस, ये जो है काफ़ी देर हो गई इसे भुनते भुनते ही, 6 या 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें गिर देंगे हम थोड़ी सी दही। जिससे कि हमारा टेस्ट जो है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसे काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा करना है जिससे कि जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। फिर उसके अभी इस मसाले को थोड़ी देर के लिए और गाढ़ा होने देंगे। फिर उसके बाद जब ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें अपना बैंगन डाल देंगे। तो देखते रहिए आप गाइस, मसाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो है हमारा बैंगन का भरता। और ये 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन बीच बीच में चलाते रहना है। और 10 मिनट के बाद हम इसके अपनी गैस को बंद कर देंगे जिससे कि हमारा अच्छी तरह भून के रेडी हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना गाइस, और किस किस को बैंगन का भरता पसंद है वो भी ज़रूर लिखना भाई। मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन घर में सबको पसंद है इसलिए बनाना पड़ता है। बैंगन का भरता। तो बाय गाइस, कौन सी सब्जी है? डाल दिया मैंने गाइस नमक इसमें, और अपने आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और ये 5 मिनट और है इसको बनने के लिए।